नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रोहित क्रिएशन। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि एलईडी बल्ब का जो ब्लिंकिंग है वो किस तरह से आप दूर कर सकते हैं। जो एलईडी बल्ब ब्लिंक करता हो, इस तरह से हिलता हो, किस तरह से आप उसको दूर कर सकते हैं, आज इस वीडियो में यही बताया जाएगा। आपने मेरी जितनी वीडियो देखी होगी इसके अंदर ब्लिंक के और भी फॉल्ट बताए हैं मैंने, तो इसके अंदर कुछ नया है, आप देखते रहिए। जैसे उस और वीडियो में ना ये कैपेसिटर होता है ना, ये कैपेसिटर ख़राब होता है तो ब्लिंक करती है और उसे डालने के बाद वो ब्लिंक बंद हो जाती है। इसके अंदर कुछ और चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से ब्लिंक कर रही है, ठीक है। आपके पास भी वो चीज़ आ सकती है, आप उस पर ध्यान दोगे तो आप इसको पकड़ सकते हो, ठीक है। अब ये जैसे लाइट है, ये मेन लाइट पर ब्लिंक कर रही है, हम इसे ऐसी लाइट पर लगाएंगे तो ये ब्लिंक करेगी। मैंने इसको खोल रखा है पहले ही, क्योंकि खोलने में टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। मैं आपको डायरेक्ट मुद्दे पर ले जाना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ ये लाइट एक बार। ये लाइट है, थोड़ी देर बाद ब्लिंक करनी शुरू कर देती है। ये जो मैं चेक कर रहा हूँ, सीरीज पे चेक कर रहा हूँ, ये मेन लाइट पे ब्लिंक करती है, ठीक है, और काफ़ी तेज तेज ब्लिंक करती है। अब मैं चलो, अब तो ये कर नहीं रही है, सीरीज पे तो नहीं कर रही शायद, ये मेन लाइट पर करेगी। हाँ, करने लग गई, देखो ये ब्लिंक कर रही है अपना आप। तो हाँ, ब्लिंक है। तो मैं इसको फॉल्ट बता देता हूँ, इसके अंदर क्या फॉल्ट है, किस वजह से ब्लिंक कर रही है। आपको इसके अंदर ये पीएफ दिखाई दे रहा है, 473 का पीएफ है, और इसकी यही कारण है जो ये ब्लिंक कर रहा है। देखिए मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, इसका ये पीएफ फटा हुआ है, आपको ध्यान से देखिए। कुछ में ये पीएफ फटा हुआ आता है, कुछ में नहीं भी आता, आप उसको अंदाजे से चेंज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये मतलब ब्रिज रेक्टिफायर के एक तो एसी के वायर होते हैं इधर नीचे वाले एसी के, एक तो पीएफ इधर लगा होता है, इधर तो ये नहीं लगा हुआ, तो एक ये डीसी में लगा हुआ, जहाँ इसके डीसी वोल्ट निकलते हैं ना ब्रिज रेक्टिफायर के, मतलब इसके ब्रिज के दूसरी तरफ जो पीएफ है वो है ये, ठीक है। ये डीसी की तरफ जो इसके प्लस माइनस का आते हैं ना, उधर ये पीएफ लगा हुआ है, उधर से ये फटा हुआ है, ठीक है। ये आप दिखाई दे रहा होगा फटा हुआ है, आप इसको चेंज कर दोगे तो आपका ब्लिंक बंद हो जाएगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसको निकाल कर, एक मिनट। ये देखिए, ये पीएफ है हमारा और ये फटा हुआ है, देखिए है ना। तो ये इसकी वजह से ब्लिंक कर रहा था। मैं इसके नया डाल देता हूँ, थोड़ा सा देखते हैं इसके, मैं ट्रैक साफ़ कर लेता हूँ, होल साफ़ कर लेता हूँ, मेरे आयरन की बैटरी ख़राब हो रही है। ये हमने खोल दिया, मेरे पास ये दूसरा नया पीएफ है सेम वैल्यू का 473, ठीक है। अब मैं इसको इसके अंदर लगा देता हूँ और इसको लगाने के बाद ही हमारी ब्लिंक बंद हो जाएगी, ये हमारा बल्ब ब्लिंक नहीं करने का, ठीक है। मैंने इसको सोल्डिंग कर दिया, मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। अब ये मेन लाइट पर भी ब्लिंक नहीं करेगा, ठीक है। ये था आज की वीडियो में हमारी, में बस आप पीएफ का ध्यान रखें, अगर फट रहा हो तो चेंज कर दें, अगर नहीं फट रहा हो और डाउट हो तो भी आप उसको चेंज कर दें, इससे आपकी एलईडी बल्ब की ब्लिंकिंग बंद हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये ब्लिंक नहीं हुई थी, ये मेरे हाथ से तार हिल गया था, इस वजह से बंद हुई थी, कभी आप सोचो ब्लिंक कर रही है, ठीक है। ओके दोस्तों, बाय बाय।